हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग बनाना फेस मास्क बनाएंगे। तो जैसा कि केले खाने के फायदे तो आप सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि केले से बना हुआ मास्क हमारी स्किन पर मिरेकल कर सकता है। ये हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और ब्राइटर बनाता है। ये हमारे डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सनटैन और डार्क पैचेस को रिमूव कर हमारी स्किन को एकदम स्पॉटलेस बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करती हैं। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाती है। तो आइए इस मैजिकल फेस मास्क को बनाना शुरू करते हैं। स्किन वाइटनिंग बनाना फेस मास्क बनाने के लिए मैंने एक केले को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें कट करा हुआ केला डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने केले को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये केले का पेस्ट निकालेंगे। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और विटामिन ए, बी, सी होता है, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सफल बनाता है और साथ ही हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिम्पल्स की प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये एक बड़ा चम्मच बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर ऐड करेंगे। बेसन हमारी स्किन पर एज अ क्लीजनर का काम करता है। ये हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये एक चौथाई चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है और साथ ही स्किन को बहुत ही ग्लोइंग भी बनाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये एक चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और साथ ही हमारी ड्राई और डल स्किन को डीप मॉइस्चराइज भी करता है। और अब हम लास्ट में इसमें आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती हैं और साथ ही हमारे ओपन पोर्स को डीप क्लीन कर हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की समस्या को भी दूर करता है। पर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे यह स्किप भी कर सकते हैं। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए कि हमारे जो फेस पैक की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा फेस मास्क बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और इस तरह मास्क लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली स्प्रेड करें। और इसे इस तरह इवनली स्प्रेड करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 15 से 20 मिनट बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस मास्क के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम दो बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 3-4 एप्लीकेशन के बाद ये आप देखेंगे कि आपकी स्किन नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन होने लगेगी। आपके एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सपल और रेडिएंट हो जाएगी। तो आप भी इस फेस पैक को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।